सांसद दुष्यंत सिंह ने अंता में पुलिस पर कांग्रेस एजेंट की भूमिका में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अंता के वार्ड क्रमांक ऐसे विजय निर्दलीय प्रत्याशी अनीता गुज्जर से सीआई उमेश मनेरिया की गाली गलौज की घटना की कड़ी निंदा की है। सांसद ने कहा कि पुलिस प्रत्याशी को जबरन साथ ले जाकर कांग्रेस नेताओं के हवाले करने की फिराक में थी। सांसद दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में अंता की घटना को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा एवं स्वयं अनीता गुज्जर ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि अनीता गुज्जर के विजय घोषित होने के तत्काल बाद थानाधिकारी उमेश मेनारिया के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने उनके निवास को घेर लिया। थानाधिकारी ने मौके पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नवनिर्वाचित पार्षद को घर से बाहर निकलने का दबाव बनाया। इसकी जानकारी मिलने पर सांसद दुष्यंत सिंह और जिलाध्यक्ष मीणा मौके पर पहुंचे, जहां थानाधिकारी मेनारिया और वृत्ताधिकारी मौके पर घेराबंदी किए हुए थे। बमुश्किल पार्षद गुज्जर को लेकर सांसद सिंह वहां से रवाना हुए। ज्ञापन में बताया गया है कि पार्षद को जान माल का खतरा है और पुलिस भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार के झूठे मुकदमे में उलझा सकती है। उन्होंने संपूर्ण प्रकरण में दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कोई दबाव नहीं बढ़ा जाए क्या, और मेरे व्यक्तियों पे और मेरे परिवार पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मैं एक स्वाभिमान बंदा हूँ, मैंने दुपट्टा डाला इसी राम का, तो मेरा धर्म नहीं बेचता। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।